नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय 10 से 12 जून 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि IIMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर CK त्यागी एवं विशिष्ट अतिथि निर्वा के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अग्रवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात फीता काटकर एवं शटल उछालकर किया। अपने आशीर्वचन उद्बोधन में डॉक्टर त्यागी ने कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और खेलों से उनका सर्वांगीण विकास होता है। बच्चों में अनुशासन की क्षमता भी विकसित होती है। स्कूलों की छुट्टी के समय इस मौके पर बच्चों के लिए आयोजित यह प्रतियोगिता उनके मनोरंजन होने के साथ साथ उपयोगी भी है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि का स्वागत बुके एवं माला द्वारा अजेंद्र राय, पवन पांडे, सत्येंद्र उपाध्याय, राष्ट्रधर्म सिंह, स्रोत सिंह, आरु श्रीवास्तव, वैष्णवी अवनी, रिया सिंह, अंकिता यादव ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर सुनील दत्त विश्वकर्मा, सलमान अहमद, अजय प्रजापति, स्रोत सिंह, दिव्यांश राय, मलयाज दीक्षित, राष्ट्रधर्म सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज खेले गए मैच के परिणाम में आपको बता दें तो अंडर 13 बालक एकल श्लोक श्रीवास्तव ने आर्यन श्रीवास्तव को 30-24 से, आर्यन राठौर ने आरव मौर्य को 30-18 से तथा यमुना मौर्य ने श्लोक श्रीवास्तव को 30-12 से तथा आर्यन राठौर ने अक्षय गुप्ता को 30-13 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। आपको बता दें तो देर शाम तक मैच जारी रहा।